Assalamualaikum guys, I hope everyone is fine by the grace of Allah. और आज इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करूंगा कि जिस पर आज तक बातें बहुत हुई हैं, मगर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच उससे रिलेटेड कोई ऐसी टेक्निकल रीजंस को अभी तक हमारे सामने कभी किसी ने नहीं रखा. देखो यार, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास जो हैं उसका बेसिक रीजन हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फ्लॉ है. बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम किसी भी कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम को देखते हैं, तो अगर वो रिलीजियस बेसिस पे इनफैक्ट फॉर्म हुआ या वहाँ पर रिलीजियस डोमिनेंसी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सबसे प्रायर लेवल पर रिलीजन की प्रैक्टिसेस होती हैं, टीचिंग्स होती हैं सब्जेक्ट्स में या स्टडीज में. उसके साथ साथ मजीद तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर एजुकेशन बेस करती है. फर्स्ट रिलीजन, सेकंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड आर्ट. ये तीन बेसिक पिलर्स और उसके साथ साथ फिर कल्चर और जो कंट्री का ट्रेडिशन है वो भी उसके साथ लिंक होता है. ये चार चीज़ें इनफैक्ट भी हम कह सकते हैं कि यार ये पिलर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के. मगर हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चारों पिलर्स आपस में बिल्कुल मदोगम दिखते हैं, या टूटे फूटे दिखते हैं, या फिर इन चारों पिलर्स की कोई कहानी हमें नज़र ही नहीं आती. फिर उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारे स्टूडेंट को आज तक सब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस हासिल ही नहीं हुई. यानी कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जनाब जिसको कहा जाए कि जनाब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, तो कहे मैं ये पढ़ना चाहूंगा और उसको वो सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका दिया जाए. ऐसा नहीं है. यानी हम 1 क्लास से 8 क्लास तक जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो डेफिनेटली वो वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है कि जो उसको पढ़ाए जा रहे हैं, लाजमी वही पढ़ेगा. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं. और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा जो है वो अपने सिस्टम में अपने उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो डेफिनेटली उसे कंसीडर किया जाता है कि वो फेल है. हमारे स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में आज तक ये प्रॉब्लम है कि कोई बच्चा अगर मेडिकल बेसिस पे जो है वो अपने एग्जाम्स नहीं दे सका, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो भी वीक है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है वो तो अल्लाह माशाल्लाह है. मैं आपको कुछ चंद एक मिसालें देता हूँ. देखिए, हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि चाइल्डहुड एज में जो पोएम्स पढ़ते हैं बच्चे, पोएम्स पढ़ते हैं यूजुअली, बड़ी स्टीरियोटाइप है. क्या पढ़ाते हैं हमारा, हम बच्चे को सिखाते हैं जनाब चूचू चूचू चाचा घड़ी में चूहा नाचा, ठीक है जी, यानी चूहे की नज़म. उसके बाद बंदर मामा, चूहे के बंदर की नज़म. उसके बाद फिर हम जाते हैं लकड़ी की काटी, काटी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा. भाई मतलब पोएम में हम ये सिखा रहे हैं. इसके अलावा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया. इंग्लिश में भी हमने पोएम्स ली, तो कौन सी ली, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा. ये बच्चे को हम शुरू से सिखा रहे हैं बेटा झूठ बोलना, ऐसे ही बोलना, और हम सब हंसेंगे झूठ बोल के. तो हम एक्चुअली जो बच्चे को मटेरियलिस्टिक बेसिस पे सिखा रहे हैं वो बहुत, उसमें बहुत फ्लॉज हैं यार, उसमें बहुत फ्लॉज हैं. यानी कि बच्चा चाइल्डहुड एज से, बचपन से ही जो चीज़ें अपने दिमाग में बिठा रहा है वो जानवरों के सिवा कुछ है ही नहीं. नज़मों में आप बता दें मुझे, जानवरों के सिवा या जानवरों से रिलेटेड कैरेक्टर्स के अलावा हम क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है. बहुत से स्कूल्स में कोई ऐसी खास चीज नहीं हो रही है. और फिर इस दफा जो कोविड से रिलेटेड सिचुएशन रही है यार, उसने तो कमर तोड़ दी है यार. मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ जो चंद प्रॉब्लम्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ. इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में जो कोविड की हमारी एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट्स पड़े हैं, असरात हुए हैं, मैं जरूर उस पर आप लोगों से तफसीली बात करूंगा. हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है, और बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हमारी एजुकेशन में, हमारी सब्जेक्ट्स में, हमारी सब्जेक्टिव बुक्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड या मौजूदा हालात और उससे लड़ने के लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान, कोई सब्जेक्टिव मटेरियल ऐड नहीं है. हम क्या पढ़ रहे हैं यार, हम मुख्तलिफ 9 क्लास के सब्जेक्ट्स अगर आप सब्जेक्ट उठाकर देख लें, उसमें कोई चैप्टर उठा के देख लें, तो वही कहानी पढ़े बैठे जो 30 साल पहले पढ़ी थी. भाई 30 साल पहले चैलेंजेस कुछ और थे, आज चैलेंजेस कुछ और हैं. यानी हमारी एजुकेशन बच्चे को ये इस बात पे तैयार ही नहीं कर ही नहीं सकती कि जनाब बच्चे को इस सोसाइटी में अपने राइट्स के लिए लड़ना है, अपने राइट्स के लिए काम करना है, और इनफैक्ट उसे एक बेहतर शहरी बनकर सामने आना है. कौन सी ऐसी बुक है कि जिसके अंदर बच्चे को सिखाया जाए कि जनाब सिग्नल्स कैसे फॉलो करना है, सिविक रूल्स के बारे में क्या सिखाया, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है. हमारे पास तो सब्जेक्ट्स की भी बड़ी स्कार्सिटी है, हमने सब्जेक्ट्स में वैरायटी नहीं देखी. हमने वही पढ़ा मुताला पाकिस्तान, अच्छी बात है भाई, इस्लामियत अच्छी बात है भाई, ठीक है जी, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट्स हमारे लीडिंग सब्जेक्ट्स रहे. बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम यार, बच्चे को सिर्फ मालूमात दे रहे हैं, बच्चे को हम हरगिज भी एक बेहतर सिटीजन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे. यही वजह है कि आज जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों का बिहेवियर बहुत एब्जर्ड होता है, बहुत ही रिडिकुलस बिहेवियर उन लोगों का दिखता है, और ऐसा दिखता है जैसे कि उनसे तालीम तो छू के नहीं गुजरी. उसका बेसिक रीजन ये है, डिग्री उनके पास है, कोई MBBS किया हुआ है, कोई MBA किया हुआ है, कोई किसी ने कुछ किया हुआ है, सबने अपनी अपनी जबरदस्त एजुकेशन हासिल की है, बट जो करेक्टराइजेशन की बेसिस पे काम होना था, जो इनफैक्ट बच्चे में एथिक्स डेवलप करने थे, वो नहीं हो सके.
चाइना जैसी कंट्री में एक लीडिंग बिजनेसमैन ये कहता है कि हम इन्फॉर्म ना करें बच्चे को, इन्फॉर्मेशन ना दें, हम उसे एजुकेट करें। हमारा मामला तो उनसे बहुत पीछे का है भाई, ना तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं ना ही हम एजुकेट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सिंपल आसान लफ्जों में हम सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हर नए दिन में हमारी जो सीखने समझने वाली नस्ल है वो और गहराई की तरफ और पस्ती की तरफ और नुकसान की तरफ जा रही है। यार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप ये टिकटॉक यूज ना करें और फलाना यूज ना करें, ढिमकाना यूज ना करें, वो क्यों यूज नहीं करेगा? हमने तो उसको स्पेस दी है, हमने तो उसको एजुकेशन के जरिए से रास्ता दिखाया। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन के हवाले से। और भी बेशुमार प्रॉब्लम्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं हमारे यहाँ। एक तो बहरहाल स्कूल्स की भी तादाद कम है और जो हैं उनमें मतालीम का जो सिलसिला है, रुझान है, वो भी बहुत हद तक मुतासर है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात कहने लगा हूँ, उसको आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कीजिएगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना अजीब है यार कि मैं अफसोस कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आज मैं किसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाता हूँ, जिसको तकरीबन 2.5 साल 3 साल का है, तो उसके लिए कहा जाता है कि जनाब इस बच्चे की ऑनलाइन क्लास होगी। क्या फजूल बात है यार, क्या कहना चाह रहे हो? फजूल मतलब कैसे हो सकती है इतने छोटे से बच्चे की ऑनलाइन क्लास यार? जिसने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो लैपटॉप की स्क्रीन देखकर, जिसको लैपटॉप भी नहीं दिखाया गया सच, वो स्क्रीन देखकर वो जो है वो पढ़ लेगा? या पेरेंट्स को आप असाइनमेंट्स दे दें कि आप अपने बच्चे से करवाएं, वो तो बच्चा खुद ही कर लेता है घर में भाई। 2.5 साल 3 साल की उम्र में बच्चा सब काम खुद ही कर लेता है, सीखना शुरू हो जाता है, वो मॉन्टेसरी लेवल की सारी एक्टिविटीज घर में फॉलो करते हैं। कभी आप लोग देखें तो खुद कर रहा होता है वो सारे के सारे एक्शंस। तो असाइनमेंट स्कूल वाले किस बात का दे रहे हैं फिर, किस बात का काम दे रहे हैं? आई एम रियली वेरी फेड अप फ्रॉम सच सिचुएशंस यार, कि हम अपनी जो नर्सरी है, यानी जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो जो नर्सरी है हम उसका भी ख्याल नहीं रख रहे यार। बड़े तो चलो फिर चलो बड़े हैं, जो अब नई जनरेशन है उसकी स्कूलिंग से रिलेटेड अभी के वक्त में एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है। बच्चों के लिए एडमिशन्स के बाद ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। छोटे मासूम बच्चे यार नहीं कंसीडर कर सकते इस एजुकेशन सिस्टम को। आई बिलीव कि यार ये बात हर उस शख्स तक पहुंचेगी कि जो इख्तियार भी रखता है और जो इस हवाले से कुछ एफर्ट भी कर सकता है। आज मैंने आप लोगों के सामने चंद एक बेसिक प्रॉब्लम जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थे वो मैंने आपके सामने रखे, एंड आई बिलीव कि इन बेसिक प्रॉब्लम्स को या इन चंद फंडामेंटल इश्यूज को आप लोग जरूर जरूर कंसीडर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, सलाम अलैकुम।